जागृति करनी चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने आजादी के आंदोलन के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देना और उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करना, इस पर ज्यादा बल दिया है। हम सब राज्य से आए हुए हमारे संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री यहाँ पर जो उपस्थित है, अपने अपने राज्य में जाकर इस विषय नीचे तक परकुलेट करने के प्रयास करें, ये आप सभी से अपेक्षा है। और मित्रों, संकल्प ये आजादी के अमृत महोत्सव की आत्मा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, 130 करोड़ नागरिक अगर छोटा छोटा भी एक एक संकल्प व्यक्तिगत भी ले ले तो कितनी बड़ी ऊर्जा हो सकती है। स्कूल का एक बच्चा एक संकल्प लेके मैं जीवन भर कोई टैक्स की चोरी नहीं करूंगा, और अगर ये संकल्प को आधा जीवन भी पालना करता है तो देश कितना आगे बढ़ सकता है। एक बच्चा संकल्प ले ले कि मैं कभी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। एक बच्चा संकल्प ले ले कॉलेज में पढ़ता हुआ कि मेरी थाली में झूठा अन्न मैं नहीं छोड़ूंगा, अन्न को नहीं बिगाड़ूंगा। एक बच्चा संकल्प ले ले कि मैं हर आजादी के दिन को 15 अगस्त को आजादी को समर्पित मेरा एक सप्ताह किसी न किसी सेवा कार्य के साथ जोड़ दूंगा। कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और मित्रों, अगर हर नागरिक देश का 130 करोड़ नागरिक एक 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 व्यक्तिगत संकल्प छोटा छोटा भी ले ले, जो अपने लिए न हो, कोई दूसरे के लिए हो, कोई गांव के दलित के लिए हो, कोई गांव के गरीब के लिए हो, कोई गांव के अनपढ़ के लिए, अगर ये संकल्प कोई ले लेता है तो 130 करोड़ संकल्प का ये संपूर्ण देश को महान बनाने के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। देखने में चीज बहुत छोटी है, मगर 130 करोड़ लोग अगर इसको करते हैं तो इसकी ताकत भी बहुत बड़ी है। और मैं मानता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव, अमृत काल और शताब्दी तक का समय भारत को महान बनाने का समय है, भारत को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बिठाने का समय है और भारत को विश्व गुरु बनाने का समय है। मोदी जी ने हम सबसे यही अपेक्षा रखी है। मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि 2 दिन की संगोष्ठी के अंदर हम हमारे राज्य के अंदर कुछ स्थान आजादी के अमृत महोत्सव निमित्त परमानेंट ऐसे बनाए जो चेतना के अंदर। आप जाएंगे लाल किला पर तो देखेंगे लाल किला में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। हम हमारे राज्य में क्या ऐसे एक दो स्थान चयनित कर इसको चेतना का केंद्र बना सकते हैं? कुछ ऐसे संकल्प प्रसारित करें जो अनेक लोगों को प्रेरणा दे कि मैं पढ़ लिख गया हूं, मैं एक प्रौढ़ अनपढ़ को पढ़ाऊंगा। इस प्रकार के कुछ संकल्प जो चेतना को फैलाने का काम करे, जो देशभक्ति को फैलाने का काम करे, देश के विकास को फैलाने का काम करे, इस प्रकार की कार्य योजना आप बनाकर जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज भारत सरकार के निमंत्रण पर आप सभी लोग यहाँ आए हैं। मैं फिर से इस बार आप सबसे गर्वबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी की शताब्दी तक का अमृत काल, जो संकल्प सिद्धि का काल हम सब के साथ अपेक्षा रखा है, और मैं मानता हूं कि हम सब का भी दायित्व है कि भारत को महान बनाने की यात्रा में हम सब जुड़ जाए। किशन भाई के नेतृत्व में भारत सरकार इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रही है। एक कोरोना का समय आ गया था, अब ईश्वर कृपा से और भारत सरकार के प्रयास से, राज्य सरकारों के प्रयास से कोरोना के बाहर हम निकले हैं। तब फिर से एक बार नई ऊर्जा के साथ यात्रा को हम आगे बढ़ाए, यही अपेक्षा है और यही आप सबसे विनंती है। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके संबोधन के लिए।